इन दिनों बॉलीवुड में यौन शोषण के कई मामले सामने आ रहे हैं और देश भर में मी टू मूवमेंट भी चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नीना गुप्ता और गजराज राव, दोनों से इस बारे में बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश भर में जो मी टू मूवमेंट चल रहा है और बड़ी बड़ी हस्तियों के चेहरे से जो नकाब उतर रहे हैं, बॉलीवुड में भी हाल ही में नाना पाटेकर, तनुश्री दत्ता और आलोक नाथ और विंता नंदा के बारे में ये जो बातें हो रही हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मैम? मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि जब मैं अभी उस दिन किसी से बात करी थी, एक गर्लफ्रेंड से, तो उसने कहा कि तो लड़कियां इतनी एम्बिशियस होती हैं तो उस वक़्त फिर वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करा और फिर बाद में उनको बुरा लगा। मैंने कहा गलत बात है। मुझे, मेरा प्रश्न ये है कि किसी को काम चाहिए, ठीक है, उससे पावरफुल पोजीशन, एक लड़का लड़की दोनों में से हो सकता है, ने उसको यूज़ करना चाहा, आप मना कर देंगी तो घर बैठ जाइए। तो क्या औरतों को घर बैठना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए इफ़ दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, या कॉम्प्रोमाइज़ करके सारी ज़िंदगी तड़पना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे गजराज जी? गजराज जी, मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं कि द्रौपदी के समय से ऐसा है। दुर्योधन तब भी थे, दुर्योधन आज भी हैं। और द्रौपदी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं है, वो न्यूज़ चैनल्स में भी है, वो मेडिकल के क्षेत्र में भी हैं, और अलग अलग जो सरकारी दफ्तर होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं, हर जगह पर इस तरह की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि ये जो एक भूचाल आया है, साइक्लोन आया है, वो कुछ एक छंटनी करेगा एक तरह का। इसे जो जो लड़कियां, जो महिलाएं जो बोल नहीं पाती हैं, संकोच करती हैं, उनको एक आवाज़ मिलेगी इससे। और हो सकता है कुछ जैसे कि निजी बैर भाव निकालें कुछ, लेकिन वो मुझे लगता है प्रतिशत कम होगा। अच्छी बात है और मुझे लगता है अब जो भी कुछ ऐसा करना चाहेगा ये। वो 10 बार सोचेगा। हाँ, मतलब ये जो है, ये जो साइक्लोन है, उसकी वजह से जो दुर्योधन है, जो समाज के, जो अलग अलग सिनेमा, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग के नहीं, बाकी सब तमाम फील्ड के जो दुर्योधन है, वो कौरव जो है, वो डरेंगे, थोड़ा संकोच करेंगे। कि जैसे नीना जी ने बोला कि यार, ये इस बात पे बवाल खड़ा हो सकता है, लड़की बोल सकती, क्योंकि पहले क्या होता था कि हाँ, कुछ नहीं महिलाओं बोलेगी। को हाँ, की ही बदनामी होगी, लड़की की बदनामी होगी, लड़की लड़की या औरत है उसको तकलीफ होगी। आज शायद पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं भैया, बोलो, तुम्हें तुम्हारे साथ तकलीफ हुई है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। जी और बहुत बड़ा हाथ इसमें, अच्छा हाथ सोशल मीडिया का रहा है, जिसकी वजह से ये बात सामने आई है सब। गजराज जी ने कहा कि बहुत सारे दुर्योधन हैं हमारे समाज में और कौरव भी हैं, आपको क्या लगता है धृतराष्ट्र भी बहुत है जो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं और इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ करते नहीं हैं? आपको लगता है ऐसे धृतराष्ट्र भी बहुत है हमारे समाज में? हाँ, बहुत है, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं ना। फायदा क्या है बोलने से? फायदा नहीं है, तो ऐसे बहुत लोग होंगे। आपने मैम लगभग 4 दशक से आप फिल्मों में काम कर रही हैं, आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे इंडस्ट्री में, कई बड़े बड़े नामों के साथ भी हुए होंगे, कुछ अगर आप एग्जाम्पल देके कुछ कहना चाहें इस वक्त हमारे चैनल को। इस वक्त ना मेरे दिमाग में सिर्फ बधाई हो चल रहा है। इस वक्त मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ और इतनी नर्वस हूँ और इतनी एक्साइटेड हूँ मेरी पिक्चर को लेके, कि मैं ब्लाइंड हूँ। मेरा घोड़े जैसे ऐसे चल रही हूँ, मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं क्योंकि हर कुछ, वॉइस मैटर करती है, और अगर इंडस्ट्री से वॉइस आए, कोई आवाज निकल के आती है, तो ज्यादा मैटर करती है। हाँ आएगी आएगी, रुक जाओ। अच्छा, एक चीज मैम और, कि अभी हाल ही में आलोक नाथ पर विंता नंदा ने रेप का इल्जाम लगाया है, आपने आलोक नाथ जी के साथ 2 फिल्में की हैं, गांधी और अंत, 2 फिल्में की हैं शायद, ज्यादा काम नहीं किया मैंने तो उनके आप कुछ साथ। बता सकती हैं क्या? आपको उनके बारे में पता है क्या? वो इस तरह की चीज हरकत की होगी उन्होंने, इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं इस वक्त कुछ कह नहीं सकती। चलिए, एबीपी न्यूज़ से दोनों का खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।